सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिस्टर इंडियन टेक एंड एंटरटेनमेंट और पास में इस घंटी के आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है हम सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के नए और फर्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी सब्सक्राइब कर दो और पास में घंटी का ऑप्शन भी आपको पता ही है दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप अपने कीबोर्ड पर आपका फोटो कैसे सेट कर सकते हो। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि यहाँ पे मैं आपको एक पहले एग्जांपल बता देता हूँ कि जैसे ही मेरा कीबोर्ड है यहाँ पे, इसके पीछे बैकग्राउंड में ज़्यादातर लोगों का फ़ोटो सेट किया होता है, उनका होता है कुछ भी, कोई भी फ़ोटो सेट किया होता है जो कि इसके बैकग्राउंड में होता है। तो वो आप कैसे कर सकते हो अपने एंड्रॉयड फ़ोन के कीबोर्ड में, फ़ोटो ऐड कैसे कर सकते हो अपने कीबोर्ड पे, तो बस देखते रहिए इस वीडियो को। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊँगा। तो दोस्तों, कुछ अपने फ़ोन के जो डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड्स होते हैं उनमें ये ऑप्शन नहीं मिलता है, तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से गूगल का जो ऑफिशियल कीबोर्ड है जिसका नाम है जी बोर्ड, वो यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो सर्च कर सकते हो जी बोर्ड। तो जी बोर्ड ये है द गूगल कीबोर्ड, यहाँ पर मिल जाएगा आपको, ये आप डाउनलोड कर दीजिए। तो मैंने इसको ऑलरेडी कर दिया डाउनलोड, मतलब मेरे फ़ोन में ये बाई डिफ़ॉल्ट पहले से ही आया हुआ है, तो मैं अभी इसको अपडेट करने का मतलब नहीं करना चाहता। लेकिन अगर आपके फ़ोन में बाई डिफ़ॉल्ट पहले से नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल कर दीजिए, अगर है तो कोई बात नहीं, और बस अगर नहीं है तो मैंने कहा आप इंस्टॉल कर लीजिए। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके फ़ोन में नहीं है। तो फिर आपको क्या करना है दोस्तों, अपने फ़ोन में सेटिंग्स में जाना है और फिर आपको यहाँ पे अपने फ़ोन की जो आपको फ़ोन में अपना जो सेटिंग्स होता है उसमें, मेरा भी Xiaomi का डिवाइस है, यहाँ पे मुझे लैंग्वेज एंड इनपुट का ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे एडिशनल सेटिंग में। अगर आपका किसी और मॉडल कंपनी का फ़ोन है तो वहाँ पे आपको ऑप्शन फाइंड करना है लैंग्वेज एंड इनपुट, तो यहाँ पे मुझे मिल गया लैंग्वेज एंड इनपुट का यहाँ पे ऑप्शन। तो इसमें जैसे ही जाऊँगा तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, लैंग्वेज के नीचे मिलेगा आपको कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड्स। तो यहाँ पे कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड्स पे आप जैसे ही जाओगे तो आपको बहुत सारे कीबोर्ड्स यहाँ पे आ जाएंगे जो आपके एंड्रॉयड डिवाइस में इंस्टॉलेड होंगे। तो यहाँ पे मेरा जो जी बोर्ड है सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो मैं आपसे जी बोर्ड पे जाता हूँ। तब मुझे फ़ोटो सेट करने के लिए क्या करना है यहाँ पे, बाकी आप कुछ सेटिंग्स करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। तो मैं यहाँ से भी फ़ोटो सेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मुझे थर्ड नंबर ऑप्शन में जी बोर्ड में गया, तो यहाँ पे थर्ड नंबर ऑप्शन मिल जाएगा थीम, तो इस पे जाना है। और इस पे आप जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे प्लस वाला ऑप्शन होगा, सबसे पहले माई थीम्स पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ से अपना एक फ़ोटो है जो सेलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ से अपना जो फ़ोटो है सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से कोई भी, तो जैसे कि मैं यहाँ से अपना एक फ़ोटो यहाँ सेलेक्ट कर देता हूँ, तो आप वेट कर लीजिए थोड़ा, मैं फ़ोटो सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ से जैसे ये वाला हो गया, तो मैं यहाँ से इस फ़ोटो को यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। तो बस मुझे यहाँ पे फ़ोटो को क्रॉप करना है कि कितना कितना रखना है मुझे कीबोर्ड के लिए, तो मैंने बस इतना रखा है और बस मैं फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, मेरा कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जब मैं टाइपिंग कर रहा हूँगा या फिर मेरा कीबोर्ड का जो पॉपअप है यहाँ पे स्टार्ट होगा, तब ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। आप ब्राइटनेस को ज़्यादा कम भी कर सकते हो, देख लीजिए दोस्तों, आप 50% रखिए ताकि आपका फ़ोटो भी दिख सके और जो कीबोर्ड्स के कीवर्ड्स हैं आपको वो भी यहाँ पे दिख सके। तो यहाँ पे अगर आप ज़्यादा करोगे तो कुछ यहाँ पे आपको जो कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पे साफ नहीं दिखेंगे, तो आप, मैं आपको रिकमेंड करूँगा 50-60% ही रखिए ताकि ये साफ साफ दिखे। तो मैं यहाँ से अपने हिसाब से रख रहा हूँ, तो फिर आप डन कर दीजिए। तो जैसे आप डन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा फिर वापस आएगा ऑप्शन। तो अगर आप की बॉर्डर्स रखना चाहते हो ताकि आपके जो की वर्ड्स होंगे, जो कैरेक्टर्स होंगे, उनका उनका मतलब एक अच्छा लुक मिल जाएगा उनको, तो यहाँ पे की बॉर्डर्स पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो आपके जो कीवर्ड्स हैं उनको एक बहुत ही अच्छा, मतलब जो कैरेक्टर्स हैं उनको बहुत ही अच्छा लुक मिल गया, बॉर्डर्स आ गए उन पे, तो ये बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव दिख रहा है। तो यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं उसको। तो बस जैसे आप इसको अप्लाई करोगे आपका जो यहाँ पे कीबोर्ड है यहाँ पे थीम सेट हो गया। तो अब हम जाते हैं अपने वापस, मैं आपको एक ट्रायल एग्जांपल के लिए बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं वापस मेरा कीबोर्ड ऐसे ओपन करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा कीबोर्ड यहाँ पे आ गया है। तो मैं यहाँ पे पीछे मेरा फ़ोटो भी यहाँ पे देख सकते हो आप सेट हो गया है।
आप इसकी ब्राइटनेस को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला, आपको ऑप्शन मिल जाएगा ब्राइटनेस एडजस्टिंग का, तो वहाँ से आप कम ज़्यादा करना चाहते हो तो वो अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मेरा फ़ोटो यहाँ पे सेट हो गया है, बहुत ही अच्छा लुक मिल रहा है। की बॉर्डर्स भी यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं, ताकि इससे मेरा कीबोर्ड का जो मतलब लुक है एकदम अट्रैक्टिव सा बन गया है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपके लिए हेल्प, अगर आपके लिए मतलब ये वीडियो अच्छी है तो आप लाइक कर दीजिए वीडियो को। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो कमेंट करके बताइए। और दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी पूछताछ करनी है, तो आप कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे। तो आपको अभी बस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो दोस्तों, और घंटे के आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कल नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं हमारे चैनल को, तो आपका मतलब बहुत बहुत थैंक्स दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो यार घंटी के ऑप्शन को दबा दीजिए और पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बस मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।